ग्रेजुएशन कंप्लीट की है अर्बन प्लानिंग में या फिर आर्किटेक्चर में, या फिर आपका एक्सपीरियंस है आर्किटेक्चर एंड अर्बन प्लानिंग में, तो जो ये जॉब वैकेंसीज हैं ये आपके लिए हैं। स्टेट ऑफ हरियाणा में वैकेंसीज यहाँ पर आउट की गई हैं प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर एक्सपर्ट्स की। गवर्नमेंट वैकेंसीज हैं जो कि आउट की गई हैं ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं या फिर जो अप्लाई करना चाहते हैं इन वैकेंसीज के लिए, दे कैन अप्लाई फॉर इट। बात करेंगे इस नोटिफिकेशन वीडियो में कम्प्लीटली इन वैकेंसीज के बारे में। 78 वैकेंसीज हैं जो कि आउट की गई हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम गीता वर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल योर पीडिया जॉब अपडेट्स एंड प्रिपरेशन। ऐसी ही बहुत सारी जॉब अपडेट्स के लिए ज़रूर फॉलो कीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को एंड व्हाट्सएप ग्रुप को, जिसमें हम बहुत सारे जॉब अपडेट्स के बारे में इन्फॉर्म करते हैं कैंडिडेट्स को। तो बात करें इस फुल नोटिफिकेशन की जो कि आउट की गई है यहाँ पर प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर एक्सपर्ट की वैकेंसीज के लिए। यहाँ पर 78 वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब है एंड म्यूनसिपैलिटीज़ या फिर एनी अदर ऑफिस में ये वैकेंसीज हैं जो कि आउट की गई हैं। स्टेट ऑफ हरियाणा में यहाँ पे वैकेंसीज को आउट किया गया है। देखिए, सैलरी पैकेज की बात की जाए तो 40,000 या 50,000 जो पे स्केल है वो यहाँ पे रहेगा फॉर दीज वैकेंसीज। प्लानिंग एक्सपर्ट की 55 वैकेंसीज हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट बीटेक इन अर्बन प्लानिंग, बीटेक की है आपने अर्बन प्लानिंग में, एक्सपीरियंस नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ जीरो मेंशन किया गया है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशन के लिए। 40,000 यहाँ पे स्केल रहेगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर जिसमें 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, सेम यहाँ पर है, लेकिन 50,000 ये प्रोवाइड करेंगे फॉर द एक्सपीरियंस कैंडिडेट। और यहाँ पर ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहेगी, बीटेक रिक्वायर्ड रहेगी इन अर्बन प्लानिंग। आर्किटेक्चर एक्सपर्ट की यहाँ वैकेंसीज आउट की गई हैं, 23 वैकेंसीज हैं। बैचलर्स इन आर्किटेक्चर यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगा एंड यहाँ पर IITs NITs से आपने कंप्लीट की अपनी ग्रेजुएशन, यू कैन अप्लाई फॉर इट। एक्सपीरियंस भी एंड फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। 40,000 यहाँ पर पे स्केल रहेगा, लेकिन येस यहाँ पर नेक्स्ट और आउट की गई है जिसके लिए 50,000 पे स्केल प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसमें यहाँ पर ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड रहेगी, बैचलर्स आपने की है अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन शुड बी रजिस्टर्ड विद काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इन अकॉर्डेंस विद आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972। तो यहाँ पर ये चीज़ रहेगी एंड यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा, अबव 3 ईयर्स एक्सपीरियंस के कैंडिडेट्स ही इन पोजीशन के लिए यहाँ पर अप्लाई करें। तो यहाँ पर फ्रेशर्स हैं अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड है अप्लाई कर सकते हैं। इवन नोटिफिकेशन में भी यहाँ पर क्लियरली मैंशन कर दिया है कि एक पर्टिकुलर डोमेन में यहाँ कौन से कैंडिडेट्स को ये प्रेफरेंस दे रहे हैं। IITs NITs है तो अप्लाई कर सकते हैं आप इस पोजीशन के लिए। आर्किटेक्चर एक्सपर्ट्स की जो पोजीशन आउट हुई है उनके लिए, तो यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन है, क्लियरली कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पर मेंशन की गई है। प्रेफरेंस किनको ज़्यादा दी जाएगी वो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है। द कैंडिडेट्स विल प्रोवाइड देयर चॉइस फॉर 3 places ऑफ पोस्टिंग। कोई भी 3 places हैं उसकी चॉइस आप बता सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशंस में। एंड येस यहाँ पर मैंडेटरी 30 days का नोटिस पीरियड रहेगा। जब भी या तो ऑफिस की तरफ से 30 days में बता दिया जाएगा अगर नोटिस पीरियड देना होगा, या फिर कैंडिडेट्स बता सकते हैं 30 days का टाइम पीरियड दिया जाएगा जिसमें वो अपना जॉब स्विच करना चाहे तो कर सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड का जो ये है यहाँ पे एडवांटेज रहेगा आपको। तो प्रेफरेंस की भी बात की गई है, जिन्होंने PhD की है अर्बन प्लानिंग में या फिर आर्किटेक्चर में या फिर मास्टर्स की है, प्रेफरेंस उनको यहाँ पर दी जाएगी। देखिए यहाँ पर मैंशन किया ग्रेजुएशन, फ्रेशर्स एक्सपीरियंस का भी मेंशन किया हुआ है। अप्लाई कीजिए, गो थ्रू कीजिए प्रोसेस के साथ। अगर आप फ्रेशर्स हैं, मास्टर्स PhD नहीं की हुई है, फिर भी एक बार ज़रूर ट्राई दीजिएगा फॉर दीज वैकेंसीज। लेकिन यस यहाँ पर प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस इन्होंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि किसे यहाँ पर देंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की ही बात करें तो यहाँ पर स्क्रीनिंग कम सिलेक्शन कमेटी की तरफ से शॉर्टलिस्टेड है, मेरिट बेस्ड बनाई जाएगी, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा यहाँ पर डेफिनेटली। एंड यहाँ पर कंप्लीटली द डिपार्टमेंट मे कंडक्ट अ टेस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर रिटर्न टेस्ट भी कंडक्ट हो सकता है, स्क्रीनिंग होगी, रिटर्न टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट किया जा सकता है। द डिसीजन ऑफ द सेट कमेटी विल बी द फाइनल, जो कमेटी का डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। एंड येस जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसका लिंक हम प्रोवाइड करेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अप टू 15 दिसंबर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड येस 15 दिसंबर को याद रखिए, 15 दिसंबर लास्ट डेट है टू अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। तो यहाँ पर ऑफिशियली आपको अप्लाई करना होगा, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्लियरली आपको सबमिट करवाने होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई हैं।
एंड यहाँ पर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, देखिए जो एप्लीकेंट्स हैं वो सबसे पहले रजिस्टर करेंगे, देन दे विल अप्लाई फॉर दिस पोजीशन एंड अप्लाई करेंगे, कम्प्लीटली सबमिट करेंगे अपना फॉर्म. तो ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं जो मेंशन की गई हैं एप्लीकेशन से रिलेटेड. याद रखिए 15 दिसंबर लास्ट डेट है. स्टेट ऑफ हरियाणा की ये जॉब है. आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग एक्सपर्ट्स की 78 वैकेंसीज को आउट किया गया है. एक्सपीरियंस्ड है, नॉट एक्सपीरियंस्ड है, अप्लाई कीजिए. ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, लेकिन यहाँ पर ये प्रेफरेंस यहाँ पर मास्टर्स एंड पीएचडी के लिए है, जो कि नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है. जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं गो थ्रू कर सकते हैं. इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट योर पीडीए एजुकेशन. इंटरव्यू से रिलेटेड या रिटन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है यू कैन कॉन्टैक्ट दैम. ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन. थैंक यू.